वाओ वरदान, थोड़ा 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 दे, वाओ वाओ और लग गई दुकाने में। कितनी सारी डके यहाँ पे हैं वरदान, कितने डके देख, वो देख कितने डके, क्या देख चली जाएंगी फिर वो अशोक नहीं छुपी, बहुत सारी मम्मी नहा ले, पागल है क्या, नहा लेगी कोई हरिद्वार है, नहा ले नहा ले, पागल है थोड़ा, पानी देखा नहीं ना पागल है, वो पागल है क्या, कुछ भी क्या ना, कुछ भी क्या, तो सब कुछ कर जाएगा, कोई जाके बचाएगा भी नहीं, नीचे उतर, नीचे हो जा, फिश खाती है, पहले पानी में से फिश पकड़नी पड़ेगी, पानी में तेज तैरती है, तेज तैरती है, चले मेरे जुलाम ठकरे जा गई है, अभी दिखा रहा हूं, रुकिएगा रुकिएगा,
ये बाबा नीम करौली आश्रम ऊंचाई से कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही प्यारी जगह है, जय हो बाबा नीम करौली महाराज जी की। एक कढ़ी चावल दे दो भैया, एक कढ़ी चावल भी। हाँ खाना कैसा है? है ना बढ़िया ना, टेस्टी ना। एक कढ़ी भी देना भैया, कढ़ी चावल भी। ₹40 प्लेट। पानी बोटल अंदर रखी तुमने? ऊपर कर रखा है, कर ले नीचे उसको। कितनी पर्ची भैया, पर्ची कितने की है? पर्ची कितने की पर्ची है? कितने की है? सामने बहुत बड़ा क्यों
ਹਿੰਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੱਤਾਲ। ਕਿਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪਾਣੀ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਬਸਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਇਹ ਸੱਤਾਲ। ਇੱਕ ਦੋ ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਓ ਫਿਰ ਚਲੋ। ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਕਰੀ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਰਾਫਟਿੰਗ। राफ्टिंग भी हो कि हम लोग आ गए सात ताल पूरा जंगल के अंदर। लोग यहाँ पे कैकिंग करते हैं। लोग यहाँ पे कैकिंग करने के लिए आ जाते हैं। उड़ता चलाओ। पूरा जंगल है, पूरा जंगल डेंस फॉरेस्ट। पूरा का पूरा जंगल है सात साल है? देखो ये है सत्ताल का जंगल का इलाका। ये रास्ता ऐसे नीचे जंगल की तरफ जा रहा है। अब इन्होंने बंद कर दिया इस रास्ते को। कह रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले एक हादसा हो गया था, एक लैपर्ड ने हमला कर दिया था, तो इन्होंने नीचे का रास्ता बंद कर दिया। ये है सूखा ताल। पूरा का पूरा जंगल है, पूरा का पूरा डेंस फॉरेस्ट, बिल्कुल जंगल है, पूरा का पूरा जंगल। और ये शाम के 5 बज रहे हैं और शाम के 5 बजे यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होने लगा है। वो सामने नदी बह रही है, हल्का हल्का पानी आ रहा है। इन्होंने रास्ता बंद कर दिया पूरा का पूरा। पहले लोग जा सकते थे नीचे, लेकिन अब इन्होंने बंद कर दिया है। इसको बोलते हैं सूखा ताल। लेकिन सूखा कहाँ है, पानी अच्छा खासा है इसमें। बता रहे हैं यहाँ पे लेपर्ड तो बहुत हैं, बहुत ज्यादा लेपर्ड हैं, जिसे ये लोग बोलते हैं गुलदार। गुलदार अधिकतर लोग यहाँ पर लेपर्ड को लेपर्ड ना बोल के या तेंदुआ ना बोलकर गुलदार बोलते हैं, कहते हैं तो बहुतायत में बहुत ज्यादा। चलिए देखते हैं।
ये पूरा का पूरा जंगल का इलाका है, पूरा का पूरा का जंगल। चलो बता। और ये बहुत बड़ा ताल है, 7 ताल। बहुत प्यारी जगह है 7 ताल। पूरा का पूरा जंगल और नेचुरल कितनी आवाज आ रही है झिंगरों की, कितनी तेज आवाज है, पर कानों में सुनिए झिंगरों की आवाज पड़ रही है। कितना ज्यादा शोर है इनका। ये हमारे वरदान को मिल गया एक काम, छोटा सा पत्थर उठा उठा के ला रहा है और डाल रहा है नदी में 7 ताल में। इसे बड़ा मजा आ रहा पत्थर फेंकने में। वरदान जल्दी आ, बस काफी है भाई, शाम हो रही भाई, जल्दी घर भी चलना है, चलो जल्दी आओ, छोड़ो छोड़ो छोड़ दो। ये मैं फेंकूंगी। ज्यादा नहीं, थोड़े से पत्थर बस। अबे हो गए ना यार, अबे हो गए, इतने सारे पत्थर काफी हैं। चलो आओ, चलो आओ जल्दी आओ, चलो जाओ लेके जाओ, अब अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में, 5:30 हो गए भाई, चलो प्रधान 5:30 हो गए भाई, बहुत लेट हो गया टाइम, चलो जब पत्थर फेंकने मजा आ रहा है इसको। ओ दीदी ने फेंक दिया पत्थर, ऐसे ये गया पत्थर, ओ ये गया पत्थर डिशुम, वरदान ने फेंका एक और पत्थर, ये कहां गया पत्थर, फेंक दिया वरदान ने, अरे वाओ।
वो गया पत्थर, ये गया पत्थर, वेरी गुड। एक और फेंको बस, ओके 1 2 3 ये दौड़ाई दिया। चलो चले आ जाओ, चलो अब चलते हैं, चलो अब अंधेरा हो रहा है, चलो चलो। स्कूटी आ रही है, चलो पीछे रहो। बस 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 अब हो गए, चलो गाड़ियां आ रही है, चलो चलें, चलो भी चलो बैठो गाड़ी में, चलो बैठो। ये पत्थर फेंक दिया, चलो वेरी गुड। ओए तेरी पत्थर फेंक दिया, चलो 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 अब चलें, चलो गाड़ी खोलो, चलो बैठो, अशोक प्रधान को बैठाओ, चलो उधर से बैठो, उधर से बैठो, उधर से आ जाओ। चलो बैठो, फोन दे दियो, बैठ जाओ। सीमेंट के भोलेनाथ बना रखे। बैठो, चलो बैठो। जाओ भोले बाबा, छोटा सा मंदिर बना रखा है भोले बाबा का, सुंदर लग रहा है। हर हर महादेव। जाओ शिव शंकर बोले, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। छोटे शिव शिवलिंग बना रखे हैं यहाँ पे, जाओ शिव शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जंगली इलाका तो बताना कौन कौन जानवर होंगे भैया इसमें। सर यहाँ पर वो है तेंदुआ, तेंदुआ अच्छा, और पिग है, पिग है यहाँ पे, जंगली सुअर, और बारासिंगा, बारासिंगा। टाइगर भी है क्या? टाइगर तो नहीं है, लेपर्ड तो बहुत है यहाँ पे, लेपर्ड है ना, बता रहे थे अभी हम चाय जहाँ पी रहे थे टपरी पे, तो कह रहे थे यहाँ पे लेपर्ड बहुत है, किरण भी है, तो आ जाते हैं इस रोड पे इस तरफ। शाम कहते शाम को 6-7 बजे का आने शुरू हो जाते हैं, बता रहे थे मुझे। तो सत्ताल सैटिलेटेड कैसा है इतना? बिल्कुल कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पब्लिक की इधर क्या बात है, बल्कि जगह अच्छी है। वजह क्या है यहाँ पे? अच्छा, रहने की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? सीधे टाइम पे तो सर आप कुछ नहीं करोगे, मतलब इतना रश रहता है, बहुत ज़्यादा रश रहता है। हाँ, अक्टूबर का महीना अभी तो भीड़ है नहीं पब्लिक यहाँ पे, तो कम रहता है। अच्छा, और ये कैकिंग के लिए क्या रहता है? गवर्नमेंट की तरफ परमिशन है पूरी, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। कोई खतरा भी नहीं है यहाँ पे ऐसा? तो पूरा रिवर राफ्टिंग अगर करते हैं कैकिंग तो लाइफ बोट सब कुछ देते हैं। तो यहाँ पे एंट्री शुल्क क्या है? 60 रुपये अगर एक गाड़ी आती है तो। अच्छा 50 रुपये, ठीक है, थैंक यू भैया आपने बताया। खड़े खड़े
ज्यादा है हुआ, कितना तेज तेज, 10-10 फुट ऊपर चढ़ रहा है ना, 10-10-20 फुट ऊपर। ओ बाय गॉड, बहुत तेज है। भाई बहुत ऊंचाई पे था, बहुत ऊंचाई पे करके आए। पीठ लाल हो गई, पत्थर पानी लगता है, पानी बॉडी में टक्कर देता है बिल्कुल। चलो चलो जय माता दी, पर्दा खोल दीजिए। जयकारा शेरावाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय।